केजीएफ, सालार और अब बघीरा, ये कौन सा यूनिवर्स बना रहे हैं प्रशांत नील? अरे सच में भाई, नहीं यकीन आ रहा तो बघीरा का टीजर आ गया है, उसको देख लो। फ्रॉम द मेकर्स ऑफ केजीएफ, सालार एंड कांतारा, एक और एक्शन थ्रिलर का अनाउंसमेंट हो गया है। लेकिन एक बात बताओ यार, ये होमबाले वालों की सारी फिल्में अंधेरे में क्यों शूट होती हैं? चाहे केजीएफ हो, सालार हो, कांतारा हो या अब ये बघीरा, सभी में काफी सिमिलैरिटीज है। पहला कि सभी में काफी अंधेरा नजर आएगा, एक्शन भरपूर मिलेगा, फायर एंड लाइट्स वाले शॉट्स, वही टिपिकल कहानी, गरीबों पे अत्याचार, फिर कोई मसीहा बन के निकलेगा। और अभी तक आपने रिबेल स्टार प्रभास सुना होगा, फिर रॉकिंग स्टार यश, लेकिन इस बार आ रहे हैं रोरिंग स्टार श्री मुरली। वैसे क्या आपको भी यही लगता है कि एक बड़े यूनिवर्स की तैयारी हो रही है? मुझे कमेंट करके बताएं। और मुझे कैसा लगा बघीरा का ये टीजर, दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। होमबाले प्रोडक्शंस की एक और नई फिल्म बघीरा का टीजर आ गया है, लेकिन सभी इनसे बस यही पूछ रहे हैं कि इतना अंधेरा क्यों है भाई? चाहे पोस्टर हो, टीजर, ट्रेलर हो, सभी डार्क थीम में है और एक्शन ओवर द टॉप, वायलेंस अलग लेवल और बीजीएम, ओहो, उसकी तो बात ही अलग है। इनकी फिल्मों के बीजीएम ना कमाल के होते हैं। टीजर देखने के बाद कोई इसे बैटमैन ऑफ इंडिया बोल रहा है तो कोई इसे देसी ब्लैक पैंथर कह रहा है, क्योंकि लुक थोड़ा ऐसा दिया गया है और नाम से तो देसी है ही बघीरा। एंड इस फिल्म में आपको नजर आएंगे रोरिंग स्टार श्री मुरली। ये वही है जिन्होंने प्रशांत नील के साथ उग्राम में काम किया था। नॉर्थ में अभी शायद इतने लोग उन्हें जानते नहीं है, लेकिन जिस तरह बाहुबली के बाद प्रभास और केजीएफ के बाद यश पैन इंडिया सुपरस्टार बन गए, इस बार बारी मुरली की है, क्योंकि ये फिल्म भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। लेकिन लोग थोड़ा इसलिए भी सैड हैं क्योंकि इस फिल्म को सिर्फ लिखा प्रशांत नील ने है, लेकिन डायरेक्ट डॉक्टर सूरी ने किया है, क्योंकि भाई प्रशांत नील ना सालार में थोड़ा बिजी हो गए थे। अब सालार का फाइनल ट्रेलर देखकर तो यही लग रहा है कि प्रशांत नील ने सारी जान सालार में लगा दी है। टीजर में वैसे तो कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ एक शब्द, वो है बघीरा। लेकिन जितना स्टोरी समझ आ रही है टीजर देखकर, वो यही लग रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर है जिसे जस्टिस के लिए दूसरा तरीका यूज करना पड़ता है एंड वायलेंस को खत्म करने के लिए खुद वायलेंस का रास्ता लेना पड़ता है। एंड जिस हिसाब का एक्शन एंड वायलेंस इस टीजर में दिखाया गया है, मुझे लगता है कि सालार की तरह इस फिल्म को भी ए सर्टिफिकेट ही ना मिलने वाला हो, क्योंकि एक्शन तो देखो बहुत खतरनाक होने वाला है। टीजर में ये साफ साफ दिख गया है। टीजर तो देखो नो डाउट अच्छा है, पर पता नहीं एक सवाल है दिमाग में कि पब्लिक कब तक ये सिमिलर थीम पर बनी हुई फिल्मों को एक्सेप्ट करेगी। वैसे आपको क्या लगता है, एंड बघीरा का ये टीजर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्हाट्सअप साक्षी। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आप देख रहे थे अनकट।